सूचना जैसलमेर पुलिस से मिली थी और पिछली रात्रि को जैसलमेर कोतवाली थाना क्षेत्र से एक स्कॉर्पियो गाड़ी चोरी हो गई। हेलो नमस्कार दोस्तों, राजस्थान के बाड़मेर जैसलमेर समाचार में आपका स्वागत है। जैसलमेर से देर रात स्कॉर्पियो चुराकर भाग रहे तीन बदमाशों को बाड़मेर जैसलमेर की पुलिस ने संयुक्त कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार कर लिया है। इसी दौरान अलग अलग गाँव के 50 से 70 ग्रामीणों ने गाड़ियों से चोरी की गई स्कॉर्पियो पकड़ने के लिए करीब 150 से 200 किलोमीटर तक पीछा किया। इसी दौरान पुलिस की गाड़ी भी साथ रही। करीब 8 से 10 घंटे तक जैसलमेर व बाड़मेर पुलिस के साथ ग्रामीणों ने संयुक्त ऑपरेशन चलाकर बाड़मेर सदर थाना इलाके के गांगसरा से तीन चोरों को गिरफ्तार कर लिया। चोरी की दो स्कॉर्पियो को बरामद कर लिया गया है। बदमाश स्कॉर्पियो का टायर फटने के बाद 20 से 30 किलोमीटर तक स्कॉर्पियो को दौड़ाते रहे। इसी दौरान ग्रामीणों ने आगे से आगे सूचना देते हुए पीछा करना जारी रखा था। दरअसल जानकारी के मुताबिक पूर्व सांसद कर्नल सोनाराम चौधरी के भतीजे पुरखाराम पावड़ा के जैसलमेर स्थित घर के बाहर खड़ी स्कॉर्पियो को दो चोर ले गए। रात 3 बजे स्कॉर्पियो की आवाज सुनकर घर की युवतियां जग गई और गाड़ी ले जाते समय शोर कर दिया। घर के सदस्य व पड़ोसी लोग जाग गए। जैसलमेर कोतवाली पुलिस को सूचना दी और स्कॉर्पियो मालिक व पुलिस ने चोरों के पीछा किया। पुलिस और ग्रामीणों की संयुक्त कार्रवाई के दौरान तीन चोरों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनसे अभी पूछताछ जारी है। तो दोस्तों, ऐसी खबरें दिखाना आपको विचलित करना नहीं बल्कि सचेत करना है, ताकि समाज में होने वाली चोरियों से बचा जा सके। तो दोस्तों, प्रदेश भर की ऐसी खबरों को जानकारी के लिए बने रहिए चैनल के साथ। अगर चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।